आप सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को हमारी शुभकामनाएं नववर्ष के लिए। नववर्ष मतलब ये मार्च के लिए। क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स को लेते हुए कक्षा ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में सब्जेक्ट जो है हमारा ट्वेल्थ, तो इसमें जो पेपर है इसको हम तैयार कर रहे हैं और आपके तैयारी करवाने के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं। अभी हमने 108 क्वेश्चंस निकाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के, और ये 108 क्वेश्चंस ये बताते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो 20 नंबर के जो आप ऑब्जेक्टिव नंबर करेक्शन करेंगे नंबर को पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं। और पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि ए बी सी डी चार ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो एक कन्फर्म रहता है, तीन गलत रहते हैं। और ऐसे अगर 108 क्वेश्चन के हम चारों लिखें ए बी सी डी, उसमें से एक कन्फर्म करके बताएं, तो उसमें टाइम बहुत जाएगा। आप ही लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर थोड़ा समय कम करिएगा, इसीलिए हमने क्या किया है कि चारों को बोलेंगे लेकिन उसमें जो कन्फर्म होगा उसको हम सामने लिखते चलेंगे और आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है ना। आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो बेनिफिशियल थिंग ये हुई कि आप इसको देखिएगा, और फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है आज, इंग्लिश का पेपर, इसके नेक्स्ट बाद में फिजिक्स का पेपर है, तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स मतलब हायर सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के, साइंस विद्यार्थियों के फिजिक्स के सब्जेक्ट्स के लिए जो हमने आपके सामने रखा है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रिजल्ट अच्छे बनाने में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और इसको हमने पार्ट फर्स्ट बनाया है और ये बेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव ना बोल के ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, बेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये आपके लिए बड़े मदद करेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि वीडियो पूरा देखते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बहुत दिनों से नहीं कह पाए थे, सोच रहे थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा भाई, प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको केमिस्ट्री के अलग आपको फ़ायदा मिल सकता है वीडियोज़ से। इंग्लिश के हमने अलग कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो आपको जो मदद कर पाएंगे, और मैथमेटिक्स में भी कुछ हल्का हल्का सा अभी हमने चालू कर दिया है, तो आप लोगों को एज पॉसिबल एज जितना कोऑपरेट करते बनेगा हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट इन शब्दों के साथ। हाँ, नए लोग जो हैं वो हमारे साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको प्रेस करिएगा, नए वीडियोज जो रहते हैं वो आप तक के आ जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स है और ये 420 नंबर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, कैपिटल E है यहाँ पर, तो ये होती है, तो उसमें चार आंसर दिए हुए हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू R, दूसरा दिया E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, देन दिया E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, देन E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R टू द पावर 3। तो व्हाट इज द कंफर्म आंसर, सेकंड बी आंसर इज कंफर्म, तो यहां पर हो जाएगा आंसर में आएगा बी, E is proportional to 1 upon R square. That is answer. अब इस तरह से हमारे पास यदि मान लिया है कोई questions की अगर हम series की बात करें तो इसमें question number 2 होता है। अब हम continue बोलेंगे और आप पूरा video देखिएगा आखिर तक के, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। एक बार सुनने से क्या होता है दिमाग में बैठ जाता है, और बैठने से क्या होगा पेपर में आएगा ना, तो आपके ध्यान में रहेगा कि इसका आंसर था। कैसे हम चार में से एक डायरेक्ट बता रहे हैं, इसके लिए बता दें आपको कि जैसे अर्जुन मछली और उसकी आंख, तो आंख की तरफ उसका ध्यान था डायरेक्ट, वैसे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए व्हाट इज द कंफर्म आंसर, दैट्स ओनली दैट आई वांट, अदरवाइज हमको चार तो वहां पर दिखेंगे लेकिन हमको दिख जाएगा जो यहाँ आंसर लिखा गया। और आपको अगर ये वॉइस गई है दिमाग में कान में तो दिमाग के अंदर कुछ काम करेगी, ऐसे हम होप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभव प्रवणता का एस आई मात्रक है, क्या चीज है? तो विभव प्रवणता का एस आई मात्रक जो होता है वो होता वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वोल्ट प्रति मीटर। इसमें आंसर दिए हुए थे ओम प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट, वोल्ट मीटर और वोल्ट प्रति मीटर, तो आंसर क्या हुआ वोल्ट प्रति मीटर, पर मीटर भी कहते हैं ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है यहाँ पर, इसको प्रति। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिया हुआ है यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप में निकलती है, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ए दिया है परमाणु, बी दिया फोटॉन, तीसरा दिया इलेक्ट्रॉन, चौथा दिया न्यूट्रॉन, तो हमको इसमें आंसर जो कंफर्म होगा ये जो आंसर है आपका फोटॉन, फोटॉन इज कंफर्म आंसर। इस तरह से आपके ये ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे आंसर आपको दिखाते हैं, अगर आपने इसको देखा है तो डेफिनेट है कि ये आपको रिजल्ट में मदद करेंगे। और इनके बाद की जो सीरीज आएगी पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा और क्वेश्चंस होंगे तो फिजिक्स में भी हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आप कंटिन्यू हमारी वीडियोज को देखते रहिएगा और अपने करियर
को बनाने के लिए इन वीडियोस की मदद लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं अपन कि जेनर डायोड का उपयोग खालिस्तान में होता है। खालिस्तान में ब्लैंक दिया हुआ है क्या चीज होता है, तो याद रखेंगे वोल्टता नियंत्रक, वोल्टता नियंत्रक जेनर डायोड का उपयोग। तो यहां पर तो चार ऑब्जेक्टिव नहीं है, ब्लैंक दिया हुआ, तो आपको तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि ए क्या है। यहां तो चार थे, जो चार में से हम गैस कर जाते, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, और लग जाता कभी हमने पढ़ा था बन जाएगा, लेकिन यहां तो कंफर्म मालूम होना चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा कि आप कॉन्सेंट्रेट होइए। एक आंसर, व्हाट इज द कंफर्म आंसर, ऑन इज एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास था। तो चौथा हमारे पास हो गया वोल्टता नियंत्रक। इस तरह से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर पांच की ओर जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा खालिस्तान होती है, खालिस्तान होती है, तो इसकी जब आप जवाब देंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके सामने जो आंसर आया है पांचवें नंबर का, छठवें नंबर का जो प्रश्न है, छठवें नंबर का प्रश्न ये है कि अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोले थे चारों के आंसर देंगे, तो चारों के आंसर देने के लिए क्या तरीका था, तो उसका तरीका ये था कि जैसे मान ली जाए चार आंसर में से डायरेक्ट आपको उत्तर दे दिया गया, तो काय पे चार आंसर देंगे, जो ऑब्जेक्टिव एबीसीडी दिए हुए उसके चार हैं, लेकिन ये ब्लैंक में तो एक ही था, तो यहाँ पर आप ये माइंड नहीं करेंगे कि चार बोल रहे थे आप और एक दिया है, तो चार का एक आंसर काय में जैसे ये ऑब्जेक्टिव एबीसीडी दिए थे, लेकिन ब्लैंक में तो एक ही होता, तो इसमें चार नहीं होने की बात है, एक शब्द की बात हो गई, वहां की बात नहीं करेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन से हम लेते हुए इसलिए कर रहे हैं कि सोचिए 70-75 में से अगर आपको 20 नंबर ये मिल जाते हैं थोड़ा सा मेहनत करने से, तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 23-25% करीब, अगर 80 नंबर का पेपर होता 20 का होता 20-25% होता, तो 75-70 में ज़्यादा आ रहा, मतलब 28-29% आपको मात्र ऑब्जेक्टिव से मिल जाते हैं, बाकी आपके प्रैक्टिकल जीवन मिला के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया है तो इसका जवाब में आप देंगे, इसका जवाब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। इस तरह से छह आपके सामने आंसर आए। अब ये अनंत आया तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको 2 मिनट या 1 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा, देन 7 से क्वेश्चन अपने से चल पड़े। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 आया है, और क्वेश्चन नंबर 7 में अपन ये कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है, तो आप मतलब मात्रक कितना होता है, क्या होता है मात्रक, क्या होता है यूनिट क्या है इसकी, तो वेबर, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र इसकी इकाई क्या है, विद्युत क्षेत्र की इकाई तो आप लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, डायरेक्ट आंसर है ओम मीटर। 10वें क्वेश्चन में दिया होगी जर्मेनियम निज अर्धचालक है। नेक्स्ट, यूरेनियम रेडियोधर्मी है। फिर प्रश्न आता है 12, किस बायस में, बायस मतलब अभिनति, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, आपने पढ़े इन डिटेल्स, जब आप पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, तो अपन बोल रहा है पश्च अभिनति, अभिनति बायस शब्द आया इंग्लिश का, तो किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है, तो आप लिखेंगे पश्च बायस में। तीसरा मतलब 13वां नंबर का क्वेश्चन आता है, किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो लाल रंग के लिए, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसके लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है प्रकाश के, आप मान लें लाल रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0। इस तरह से आपसे फिर से कहेंगे कि 1 मिनट के लिए आप इसको देखिएगा और रिमाइंड करिएगा, इसके पहले वाले इसको मिला के तैयार करते चलिएगा। ओके, चलिए तो अपन फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15-19। इस तरह से अपनी सीरीज कंटिन्यू चलते जाएगी, 108 क्वेश्चन आपके लिए निकाले फर्स्ट पार्ट में। सवाल उठता है 108 क्वेश्चन क्यों निकालें, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दिया कि 108 क्वेश्चन निकालें, हम सब अंक मानते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा हुआ ऐसा करते हैं, उसको चाहते तो 107 भी कर देते, 109 भी कर देते, लेकिन 108 निकाले, और सच जानिए 108 क्वेश्चन ही निकालते समय वो जो टॉपिक्स थे वहां पर कंप्लीशन हुआ। इस तरह से आपको जानकारी दे दी, मन में प्रश्न ना उठे, परमाणु के आकार की कोटि बताइए, तो वो होती 10^-10 मीटर, 10^-10 भी कह सकते हैं आप, माइनस
10 मीटर, 10 की घात ऋण 10 मीटर भी कह सकते हैं। परमाणु होता है, अब परमाणु होता है अगर वहां पर दे दिया उसने, परमाणु होता है तो आपको सवाल ये उठता है कि परमाणु क्या होता है, तो आपको वहां पर चार उत्तर दिए हैं, आवेशित, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित। तो आपको देना है अनावेशित, परमाणु होता है कभी भी अनावेशित। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, आपके सामने एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होगा। पूर्ण चक्र मतलब ऊपर भी गई और वहां से नीचे भी आई, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गई, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, दोनों साइड भी चल रही है। तो यहां पर जब प्रश्न बोलता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो आपका यहां पर जवाब जो है वो है शून्य। नेक्स्ट, बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, देन व्हाट इज द आंसर, देन इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट फर्स्ट दिया 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर, बी 3.5 × 10⁻¹⁻ मीटर, थर्ड 53.3 × 10⁻¹⁻ मीटर, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है आंसर जो दिया है उसका फर्स्ट है, और वो फर्स्ट आंसर ये है कि 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। यस, नेक्स्ट, धातुओं में धारा प्रवाह होता है, धातुओं में धारा प्रवाह होता है तो किसके द्वारा होता है, यहां पर देते हैं प्रोटॉनों के द्वारा कभी नहीं हो सकता, धनायनों द्वारा हो नहीं सकता, धनायन एवं ऋणायन द्वारा दोनों द्वारा नहीं होता। इसका आंसर सही है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जो कंफर्म आंसर है, और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये आंसर इसका सी था जो बुक में आया है। सब दिया रहता है, लेकिन एक बार आपका रिवीजन कराने के लिए आपके सामने ये आवाज लाते हैं और आप इसका बेनिफिट उठाते हैं। चलिए, इसके पहले जो भी होते जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट होते जा रहे हैं, ये 15 से लेके 19, इसका एक बार रिवाइज करिएगा। चलिए, इस तरह से अपना क्वेश्चन की सीरीज में 22-28 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने अपने आंसर को लेते हुए आए हैं, और अपन देखते हैं इसके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। द्रव्य तरंगों की परिकल्पना किसने की थी, एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्वेश्चन भी पढ़ते हैं आप, बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से आपको याद जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यदि y इज इक्वल टू संयुग्म भी बोले या बार आप बोले कि a प्लस बी हो तो गेट खालिस्तान का होगा, तो नॉर गेट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, खालिस्तान है, ब्लैंक लिखा, तो गामा किरणें होती हैं सबसे अधिक आवृत्ति की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24, दो लित्र का इसमें सेट करना था, अरेंज करना था इसका आंसर के साथ, तो उसका आंसर दे दिया गया है कंटिन्यू बना के ऑलरेडी। तो उच्च आवृत्ति की दोलन होता है। क्वेश्चन 25, चुंबकीय फ्लक्स, तो उसका आंसर है वेबर। निज अर्धचालक होती है जर्मेनियम, संधि डायोड, अन ओमी प्रतिरोध, और फिर है प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो यह है आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ये क्या है आइंस्टीन। एक छोटी सी गलती हुई है, सॉरी बोलेंगे कि ये प्रभाव है, प्रभाव ऐसा धोखा से हो जाता है, अनकॉन्सियसनेस सेकंड भर का कभी हुआ या ध्यान दूसरे क्वेश्चन में बोलने में रह गया, तो ऐसा समझे, तो उसके लिए कहीं होता है तो आप हमें कह सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर दिया जाएगा। वैसे हम लोग टैली करते हैं और डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं। इसके पहले भी एक हुआ था केमिस्ट्री में, वो एक अभी की ही आई थी जिसको एल्डिहाइड तो देते थे लेकिन कीटोन नहीं देते थे, तो वो हमने उसको डिस्क्रिप्शन में फिर लिख दिया था उसके बारे में, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल है उसका
कंफर्मेशन हम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको ध्यान देते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये यहाँ पर आपके पास फिर 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव के नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और स्कोर बहुत ज़्यादा कर देते हैं और बहुत अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं, उनको बहुत मदद मिल जाती है रिजल्ट बनाने में। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अपन ध्यान दे रहे हैं और यहाँ से ही शुरुआत की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस अपलोड किए थे लास्ट टाइम, तो उसको भी आप देखेंगे। तो चलिए आप इसको देखने का देखिएगा। चलिए इस तरह से अपन ने जो क्वेश्चन देखा अभी, तो ये 29 से लेकर 35 की और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम फिर से देखने जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन भी आपने रिपीट किया था बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको जवाब देना सीधे सीधा व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता 30 नंबर में आया हीरे की चमक का कारण क्या है, तो परावर्तन समझते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जेनर डायोड का एक उपयोग बताइए, अगर क्वेश्चन में आता है 31 नंबर पे है, तो वोल्टा नियंत्रक के रूप में। तो ये वोल्टा नियंत्रक से संबंधित क्वेश्चन पहले भी आया है इसी सीरीज में। 32 नंबर के क्वेश्चन में है कि गैमा कणों की आयनीकरण क्षमता बहुत अधिक होती है, क्यों? तो आपको बड़ा मतलब साधारण सा यूज करना ब्रेन को कि जिसकी आयनीकरण क्षमता बहुत अधिक होती है उसका अत्यधिक वेग होता होगा, तो वेग अत्यधिक होता है कि इनका इनका, और अगर ऐसा है वेग अधिक है तो उसमें आवेश का प्रश्न नहीं उठता, इसमें आवेश नहीं होगा, इसलिए इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है 33 नंबर में, तो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, इस बात को ध्यान से देखें, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, ना कि एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर। क्या बोले? एस ध्रुव से साउथ टू नॉर्थ। 34 नंबर का क्वेश्चन है अन्योन प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है, हेनरी, जवाब में आएगा हेनरी, यूनिट्स पूछ लेता है, यूनिट्स बहुत पूछता है तो कंफ्यूजन होता है, पर इस तरह से आपको एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें, जिसके पास भी मोबाइल है उसको बंद करके रखेंगे। तो एंड गेट का बुलियन अंक व्यंजक क्या होता है, तो वाई इज इक्वल टू, ये लॉजिक गेट्स है सब, तो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहां पर एक क्वेश्चन आया था, अभी अपन ने देखा था पहले, कि इसके पहले वाले में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी जो दिया हुआ था उसका जो हमने आंसर आपके सामने लिखा था, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको बार भी कहते हैं, ठीक है, पढ़ने में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 35 क्वेश्चन तक के आप एक बार पुनः रिवाइज करिएगा, फिर 36 से लेके अपन आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कि सीरीज में 1 से 35 तक के आपने क्वेश्चंस और उसके आंसर को समझा, देखा, टैली किया। अब 36 to 45 हम देखने जा रहे हैं, उसमें 36 नंबर का है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक्चुअल में E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, लेकिन एम सी स्क्वायर कहते हैं, एम क्या है द्रव्यमान है, क्या है सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला जो समय लगता है प्रकाश का वेग, इसका वैल्यू होता है 3.18 × 10^8। तो ये डिटेल्स में अपन जाएंगे और देख सकते हैं ना। धारावाही परिनालिका के समान व्यवहार करता है, क्या करता है, दंड चुंबक, नैंड गेट में, ये सब लॉजिक गेट से पूरे, नैंड गेट में एंड गेट जोड़ने से या के साथ होने से कौन सा गेट बनता है, तो नॉट गेट LOT। विद्युत फ्लक्स की यूनिट या मात्रा क्या है, इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत वाहक बल इकाई वोल्ट, वोल्ट में नापा जाता है। विद्युत चुंबक नरम लोहा से
बनता है। कोणीय वेग का फॉर्मूला NH/2π, यहां पर H प्लांक नियतांक है जिसका अपना वैल्यू हुआ करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल ने बताया, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होगा? शून्य आवेश। चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे तो क्या आवेश होगा? सुन, तार ऑलरेडी चालक है और धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनती थी, आवेश जो होता था हमने देखा कितना है, तो शून्य है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, शून्य अंश। ये 36 से 45 एक बार आप रिवाइज करिएगा।